हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज वीडियो रे हमें लाइन लाइन सेगमेंट कौन रे कौन ये सब विषय पढ़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन कौन आम जानी लाइन हूँ गोटे गार। तो लाइन रो भी डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट अच्छी, जमती कि लाइन लाइन सेगमेंट रे ओडिया रे हमें पढ़ीचे सरल रेखा रेखाखंड और रश्मि, ये तीन टा पढ़ीचे। तो से विषय में आज पढ़वा। तो लाइन कौन जोड़ा आम ओडिया कहे सरल रेखा सेड़ा को लाइन कहती। इफ वी टेक ए पॉइंट एंड ड्र ए स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड एंडलेसली ऑन बोथ द साइड देन द स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड एज लाइन। तो लाइन जोड़ा कि आम जानचे सरल रेखा माने जदि आम गोटे पॉइंट रू लाइन ड्र करवा स्ट्रेट पाथ रे, स्ट्रेट पाथ रे गोटे लाइन ड्र कर एक्सटेंड करवा कौपटे दीपट साइड रे, एपट भी एक्सटेंड हो पार भी एक्सटेंड हो पार। तो सेटा बोथ साइड रू एक्सटेंड हो पार कौटी स्ट्रेट पाथ रे आम कह लाइन जोटा आम ओडिया जानचे सरल रेखा। तो लाइन रो डेफिनेशन कौन है, इफ वी टेक ए पॉइंट एंड ड्र ए स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड एंडलेसली ऑन बोथ द साइड देन द स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड एज ए लाइन। देन आसला ए रे जोटा कि आम ओडिया पढ़चे रश्मि, ए रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ वन एंड पॉइंट। तो आमर लाइन रो एंड पॉइंट नथिला दीपट साइड रू बोथ साइड रू कौन हम एक्सटेंड हो पार स्ट्रेट पाथ रे, किंतु रे कौन रे रो गोटे एंड पॉइंट अच्छी माने फास्ट जो आमर एंड पॉइंट गोटे अच्छे किंतु से कौन कर गोटे साइड रे एंडलेसली स्ट्रेट पाथ रे एक्सटेंड हो पार, किंतु आमर लाइन रे एंड पॉइंट नथिला सेटा दीटा बोथ द साइड रू एंडलेसली स्ट्रेट पाथ रे एक्सटेंड हो पार। देन आसला लाइन सेगमेंट, तो व्हाट इज लाइन सेगमेंट जोड़ा आम ओडिया पढ़ीचे रेखाखंड माने ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट। ताले रेखाखंड कौन अच्छी दीटा एंड पॉइंट अच्छी माने इटा बोथ द साइड रू एंडलेसली एक्सटेंड कर पारिबनी, जमती कि एटा कहार अपोजिट हे लाइन रो अपोजिट लाइन दीपट साइड रू बोथ साइड रू एक्सटेंड हो पार स्ट्रेट पाथ रे, किंतु रेखाखंड होची बा लाइन सेगमेंट होची लाइन रो अपोजिट जोटा कि जार दीटा एंड पॉइंट अच्छे आ रे रो गोटे एंड पॉइंट अच्छे आ गोटे साइड रू एंडलेसली स्ट्रेट पाथ रे एक्सटेंड हो पार। तो यहाँ है रे एटा हो कौन रे एटा हो लाइन सेगमेंट देन एटा हो लाइन। तो यहाँ आम जानले थ्री टाइप लाइन आम जानदे लाइन लाइन सेगमेंट एंड रे। तो यहाँ हूँ पिक्चर ऑफ लाइन, एटा हूँ पिक्चर ऑफ रे, देन पिक्चर ऑफ लाइन सेगमेंट। देन पढ़ा आंगेल, व्हाट इज आंगेल, आंगेल्स एंड आंगेल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। तो आंगेल कौन जोड़ा आम ओडिया पढ़चे कोण, तो कोणटा कौन केतेबेले क्रिएट हुए जितेबेले गोटे एंड पॉइंट रू दीटा रे बाहरी थाए तो सेटा आंगेल क्रिएट करे। एंड आंगेल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, गोटे एंड पॉइंट रू दीटा रे ओरिजिनेट कले सेटा गोटे आंगेल क्रिएट करे, आंगेल रो फॉर्मेशन हुए। तो यहाँ हूँ आंगेल रो डेफिनेशन एंड आंगेल इज फॉर्म बा आंगेलटा केतेबेले क्रिएट हुए बा फॉर्मेशन हुए आंगेल रो केतेबेले जितेबेले दीटा रेज गोटे एंड पॉइंट रू क्रिएट हबो बा ओरिजिनेट हबो तो सेटा गोटे आंगेल क्रिएट करिवो। द रेज मेकिंग एन आंगेल आर कॉल्ड द आर्म ऑफ द आंगेल। तो जो दीटा रे आंगेल क्रिएट कर से दीटा रे को कौन कह आर्म ऑफ द आंगेल, दीटा रे गोटे एंड पॉइंट रू ओरिजिनेट कले सेटा गोटे आंगेल क्रिएट करे, आ जो दीटा रे आंगेल क्रिएट कर से दीटा रे को कौन कह आर्म ऑफ द आंगेल, जो आंगेल क्रिएट है दीटा रे को नहीं कि तो से दीटा रे को से आंगेल रो आर्म ऑफ द आंगेल कह। तो यहाँ जदि यहाँ है बी गोटे कॉमन एंड पॉइंट जोटि की बी सी रे बाहर बा ओरिजिनेट हो गए बी डी रे ओरिजिनेट हो, तो ये जो बी सी तो यहाँ कौ आंगेल क्रिएट कला सी बी डी आंगेल, तो बी सी आउ बी डी को कौन कह बी सी आउ बी डी को सी बी डी आंगेल रो आर्म ऑफ द आंगेल कह। देखा वर्टेक्स, द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द आंगेल, जो आंगेल दीटा क्रिएट है तो आम जानले दीटा ए जदि गोटे एंड पॉइंट रू ओरिजिनेट है तो सेटा गोटे आंगेल क्रिएट कला, आ जो दीटा रे द्वारा गोटे आंगेल क्रिएट है से जो दीटा दीटा रे को
से आंगेल रो आर्म ऑफ द आंगेल कह जाए। देन जो कॉमन पॉइंट रु जो सेम पॉइंट रु दुटा रे ऑरिजिनेट हो से एंड पॉइंट को कौन कहते वर्टेक्स ऑफ द आंगेल। ताल आम जानले कौन आंगेल केमी क्रिएट है जानले सहित एटी जो आंगेल क्रिएट होती आर्म ऑफ द आंगेल कि ए दुटा रे हूँ आर्म ऑफ द आंगेल। देन ये जो कॉमन एंड पॉइंट अच्छा को कौन कह वर्टेक्स ऑफ द आंगेल। तो यहाँ आम यहाँ आंगेल विषय सरला। तो आंगेल केमी ऑरिजिनेट होची एंड आंगेल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट गोटे एंड पॉइंट रू दुटा रेज ऑरिजिनेट कले से जो क्रिएट है सेटा कौन क्रिएट है आंगेल क्रिएट है। ता सहित जो रे द्वारा से आंगेलटा क्रिएट है ताको आर्म ऑफ द आंगेल कहवा। देन जो कॉमन पॉइंट रू दुटा रे ऑरिजिनेट है से कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स ऑफ द आंगेल कहवा। देन आसला टाइप्स ऑफ आंगेल। तो आम जानचे कॉम्प्लीमेंटरी आंगेल एंड सप्लीमेंटरी आंगेल। तो कॉम्प्लीमेंटरी आंगेल क्या कह टू आंगेल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटरी आंगेल। जो दुटा आंगेल रो सम केत हबो जो दुटा आंगेल रो सम 90 डिग्री हबो ताको आमे कॉम्प्लीमेंटरी आंगेल कहिबा। जेमती कि एग्जांपल होची 50 डिग्री आंगेल देन 40 डिग्री आंगेल ए दुटा आंगेल को सम कले समटा केत आसीबो 90 आसीबो। तो 50 डिग्री एंड 40 डिग्री होची कॉम्प्लीमेंटरी आंगेल बोथ आर कॉम्प्लीमेंटरी आंगेल। तो 50 डिग्री एंड 40 डिग्री आंगेल्स आर कॉम्प्लीमेंटरी आंगेल्स। जो दुटा आंगेल रो सम 90 डिग्री हबो से आंगेल को आमे कोन कहिबा कॉम्प्लीमेंटरी आंगेल कहिबा। देन आसला जोटा कि एटी देची एग्जांपल रे एटा होची गोटे 50 डिग्री आंगेल एटा होची गोटे 40 डिग्री आंगेल। तो ए दुटा आंगेल रो सम होची 90 डिग्री तो दुटा आंगेल को कॉम्प्लीमेंटरी आंगेल कहिबा। देन आसला सप्लीमेंटरी आंगेल टू आंगेल्स हु सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंटरी आंगेल। जो दुटा आंगेल रो सम केते हबो 180 डिग्री हबो से आंगेल को आमे सप्लीमेंटरी आंगेल कहिबा। जेमती कि एग्जांपल कोन 110 डिग्री एंड 70 डिग्री तो ए दुटा आंगेल रो सम केते हबो एटा मिस्टेक रे लिखा है तो एटा हबो 180 डिग्री 110 डिग्री और 7 डिग्री रा सम 180 डिग्री हबो। तो सेति पे हम जानि छे जो दुटा आंगेल रो सम केते 180 डिग्री हबो से दुटा आंगेल को आमे कोन कहिबा सप्लीमेंटरी आंगेल कहिबा। तो 110 डिग्री एंड 7 डिग्री आंगेल्स आर सप्लीमेंटरी आंगेल्स। तो ये आम दुटा टाइप रो आंगेल पढ़ले जोड़ा हूँ कॉम्प्लीमेंटरी आंगेल जोटी दुटा आंगेल रो सम 90 डिग्री हबो से दुटा आंगेल को आम कॉम्प्लीमेंटरी आंगेल कहिबा। देन आ जो दुटा आंगेल रो सम केते हबो 180 डिग्री हबो ताको आम सप्लीमेंटरी आंगेल कहिबा। एग्जांपल होची 110 डिग्री एंड 7 डिग्री 70 डिग्री ए दुटा आंगेल रो सम 180 डिग्री हबो तो ए दुटा हूँ सप्लीमेंटरी आंगेल। देन आसला एडजसेंट आंगेल जोड़ा कि आम ओडिया जानचे सन्निहित कोण। तो एडजसेंट आंगेल कौन दुटा आंगेल एडजसेंट हाँपाई तीन टा कंडीशन अच्छी से तीन टा कंडीशन कौन टू आंगेल्स आर एडजसेंट इफ दे हाव ए कमन वर्टेक्स ए कमन आर्म दे आर नॉन कॉमन आर्म ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। तो ये तीन टा कंडीशन जदि दुटा आंगेल सैटिस्फाई करुच्छी तो से दुटा आंगेल को आम कौन कह एडजसेंट आंगेल। ये एग्जांपल देची ये गोटे आंगेल अच्छी दुटा आंगेल अच्छी ए बी डी आंगेल एंड सी बी डी आंगेल। तो ये कौन अच्छी कॉमन वर्टेक्स अच्छी गोटे कंडीशन फॉलो कला देन सेकेंड हूँ सेकेंड कंडीशन आम कौन थी ए कॉमन आर्म। तो यमर कॉमन वर्टेक्स भी गोटे अच्छी जोटा हूँ बी गोटे कॉमन आर्म भी अच्छी जोटा हूँ बी डी ए बी डी आंगेल एंड सी बी डी आंगेल रोटे कॉमन वर्टेक्स अच्छी जोटा हूँ बी गोटे कॉमन आर्म भी अच्छी जोटा हूँ बी डी। तो सहित थर्ड कंडीशन कौन थी दे आर नॉन कॉमन आर्म ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। तो सहित एम कौन यो इंटीरियर पार्ट भी कौन है डिफरेन्ट है जोटा कि ए कॉमन पार्ट रो पार्ट ए पार्ट दुटाक डिफरेन्ट। तो ये तीन टा कंडीशन सैटिस्फाई है तो ये दुटा आंगेल हूँ कौन एडजसेंट आंगेल आंगेल ए बी डी एंड आंगेल सी बी डी हूँ दुटा एडजसेंट आंगेल जोटा कि तीन टा कंडीशन सैटिस्फाई करुच्ची एम कॉमन वर्टेक्स भी अच्छी कॉमन आर्म भी अच्छी सहित दे आर नॉन कॉमन आर्म ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म एम जो इंटीरियर पार्ट्स आर डिफरेंट। हियर ए बी डी एंड ई बी सी आर एडजसेंट आंगेल। देन पढ़ा लिनियर पेयर। तो लिनियर पेयर कौन
तले लिनियर पेयर एंगल का हो गई बा जितने बड़े लिनियर पेयर अप एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री जितने बड़े दीटा एडजेसेंट एंगल रा सम केते हिथिबो 180 डिग्री हिथिबो तले से एंगल को हमें लिनियर पेयर एंगल कहिबा तो लिनियर पेयर एंगल दीटा एडजेसेंट एंगल रा सम जदी 180 डिग्री हैला तो से दीटा एंगल को हमें लिनियर पेयर बोली कहिबा जेंति के एग्जांपल होची एटा तो एठी दीटा एंगल अछि जोडा की एडजेसेंट एंगल रो तीनटा रूल फॉलो करूची कॉमन वर्टेक्स अच्छी कॉमन आर्म अच्छी एवं आर इंटीरियर पार्ट भी डिफरेंट अच्छी तो ये दुटा हूँ कौन ए दुटा एंगेल हूँ एडजेसेंट एंगेल ता सहित ए दुटा एडजेसेंट एंगेल रो सम भी केते 180 डिग्री हूँ तो ए दुटा एंगेल हूँ कौन लिनियर पेयर कहवा जो दुटा एंगेल एडजेसेंट एंगेल भी होती है और से दुटा रो सम केते 180 डिग्री माने सप्लीमेंटरी एंगेल होती है सप्लीमेंटरी एंगेल एंड एडजेसेंट एंगेल ए दुटा एंगेल ए दुटा एंगेल जो भी दुटा एंगेल होमें कौन कह लिनियर पेयर 180 डिग्री सम हो 180 डिग्री ता सहित दुटा एडजेसेंट एंगेल भी होते से दुटा एंगेल को हमें लिनियर पेयर एंगेल कहपर आसला हियर वन एंड टू आर लिनियर पेयर एंगेल ये जो दुटा एंगेल अच्छे वन एंड टू ये दुटा कौन दुटा हूँ लिनियर पेयर एंगेल देन आसला वर्टिकली अपोजिट एंगेल जोटा को आम विपरीत कोण कहू तो ये आम जानचे दुटा रे टणा हो दुटा रे इंटरसेक्ट कर जो दुटा सॉरी लाइन अच्छी रे नुहत ये दुटा हूँ लाइन दुटा लाइन रो इंटरसेक्ट फल आमको चार्टा आंगेल मिली ए बी ए ए आंगेल बी आंगेल सी आंगेल एंड डी आंगेल तो ये जो चार्टा आंगेल क्रिएट है ये चार्टा आंगेल रु परस्पर दुटा आंगेल कौन वर्टिकली अपोजिट आंगेल विपरीत कोण जोटा तो वर्टिकली अपोजिट आंगेल केते बेले क्रिएट हुए वर्टिकली अपोजिट आंगेल्स आर फॉर्म व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट इच अदर आट ए कॉमन पॉइंट जिते बड़े दुटा कौन हम दुटा लाइन दुटा स्ट्रेट लाइन कौन करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे कॉमन पॉइंट रे ताले वर्टिकली अपोजिट एंगल क्रिएट हुए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल जो वर्टिकली अपोजिट अपोजिट एंगल क्रिएट हे से दुटा एंगल कौन इक्वल होते तो ये ए आंगेल हूँ सी आंगेल सहित वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड बी आंगेल हूँ डी आंगेल सहित वर्टिकली अपोजिट एंगल तो आम पढ़ले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो ए आंगेल क्या सामान हम सी आंगेल सहित सामान हम जेहतु वर्टिकली अपोजिट एंगल देन बी आंगेल क्या सामान हम क्या इक्वल हम डी आंगेल सहित जेहतु ये दुटा कौन वर्टिकली अपोजिट एंगल कारण पढ़ले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो ए हूँ सी वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड बी हूँ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल तो ए इक्वल टू सी ए आंगेल इक्वल टू सी आंगेल एंड बी आंगेल इक्वल टू डी आंगेल देन आसला हियर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल ए एंड सी हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड बी एंड डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल देन आसला ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू लाइन तेल ये हूँ आम वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ले ए पढ़ा ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू लाइन्स ट्रांसवर्सल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स आट डिफरेन्ट पॉइंट तो यहाँ गोटे ट्रांसवर्स लाइन थी जोटा कि दुटा लाइन को गोटे बट बहुत पॉइंट रे कौन कर इंटरसेक्ट करमती कौन हो दुटा लाइन अच्छी आठ गोटे लाइन तक इंटरसेक्ट करुच्ची गोटे पॉइंट हो डिफरेंट बा मोर पॉइंट हो दुटा लाइन अच्छी जहाँ को गोटे लाइन कौन कर डिफरेंट पॉइंट इंटरसेक्ट करुच्ची तो यहाँ को कौन कह ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू लाइन गोटे लाइन आउ दुटा लाइन को इंटरसेक्ट करुच्ची गोटे पॉइंट हो मोर मोर दैन वन पॉइंट हो तो ये जो आंगेल एरा क्रिएट हो तार डिफरेंट डिफरेंट नेम अच्छे और सहित डिफरेंट कंडीशन भी फॉलो करती जमीक करस्पंडिंग आंगेल देन अल्टरनेट इंटीरियर आंगेल देन अल्टरनेट एक्सटीरियर आंगेल देन इंटीरियर आंगेल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल तो ये कते टाइप आंगेल क्रिएट हो फोर टाइप आंगेल क्रिएट होते गोटे ट्रांसवर्सल लाइन दुटा लाइन को इंटरसेक्ट करुच्ची कौन हो डिफरेंट डिफरेंट आंगेल क्रिएट हो तो फोर टाइप आंगेल क्रिएट है जमीक आम पढ़ले कौन कौन करस्पंडिंग आंगेल देन आसला अल्टरनेट इंटीरियर आंगेल देन आसला अल्टरनेट एक्सटीरियर आंगेल देन आसला इंटीरियर आंगेल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल तो ये पढ़ा एवं करस्पंडिंग आंगेल किए किए ये कौन है 1 and 5 2 and 6 3 and 7 and 4 and 8 आर करस्पंडिंग आंगेल तो 1 and 5 तो कौ आंगेलटा है तो ए आंगेल 1 and 5 आंगेल को कौन कह करस्पंडिंग आंगेल सेमती 2 and 6 को 2 and 6 आर बोथ करस्पंडिंग आंगेल देन हम 3 and 7 and 4 and 8 बोथ आर करस्पंडिंग आंगेल ताल ये जो इंटरसेक्टिंग है दुटा ट्रांसवर्सल लाइन रो सेठी गोटे टाइप रो आंगेल क्रिएट है जहाँ को आम जानले करस्पंडिंग आंगेल
माने 1 होची 5 सा करस्पोंडिंग देन 2 होची 6 सहित करस्पोंडिंग एंड 3 होची 7 सहित 4 एंड 4 होची 8 सहित त ए एंगल को कोन कहबा हमें करस्पोंडिंग एंगल देन आसो सेकंड टाइप ऑफ एंगल जोटा क्रिएट होची अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जोटा होची 3 एंड 6 एंड 4 एंड 5 त 3 एंड 6 होची कोन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड 4 एंड 5 होची कोन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो फास्ट पढ़ले करस्पोंडिंग एंगल जोटा होची 2 होची 6 सहित 1 होची 5 सहित 3 होची 7 सहित एंड 4 होची 8 सहित एटा गला करस्पोंडिंग एंगल देन आसला कोन आसला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जोटा होची 3 होची 6 सहित एंड 4 होची 5 सहित एटा गला कोन आसला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देन आसला अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के 1 होची 8 सहित एंड 2 होची 7 सहित तो 1 होची 8 सहित अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड 2 होची 7 सहित कोन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी जानले जोटा होची 3 होची 6 सहित एंड 4 होची 5 सहित अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देन आसला एक्सटीरियर एंगल के 2 होची 7 सहित एंड 1 होची 8 सहित देन फोर टाइप एंगल होची इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जोटा होची 3 एंड 5 4 एंड 6 तो 3 5 को हम कोन कहबा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल देन 4 एंड 6 को भी कोन कहबा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 3 एंड 5 एंड 4 एंड 6 जते बेले दीटा ट्रांसवर्सल लाइन को दीटा लाइन को गोटे ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो डिफरेंट पॉइंट भी डिफरेंट पॉइंट रे 1 पॉइंट हो बा मोर देन 1 पॉइंट हो सेटा इंटरसेक्ट करे ता सहित इंटरसेक्ट करबा फळ रे हमर फोर टाइप रा एंगल क्रिएट हला जोटा होची करस्पोंडिंग एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जोटा कि नोट करी कि मन रखिबो देन असला ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन सेटा तो ट्रांसवर्सल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन थिला तो एटा असला पैरेलल लाइन को जते बेले इंटरसेक्ट करिवो गोटे ट्रांसवर्स कोन करिवो जते बेले दीटा पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करिवो तो सेठी पड़िबा तो एटा होची एल गोटे एल लाइन होची गोटे पैरेलल लाइन का सहित एम लाइन सहित एल एम दीटा पैरेलल लाइन जोडा गोटे ट्रांसवर्सल कोन करची इंटरसेक्ट करूची दीटा पॉइंट रे तो एटा एंगल भी क्रिएट होची इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ करस्पोंडिंग एंगल्स इज इक्वल तो आम जानले जितेबले दुटा लाइन को गोटे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करुच्ची तो फोर टाइप एंगल क्रिएट होची करस्पोंडिंग एंगल देन इतला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल फोर टाइप एंगल क्रिएट हला जितेबले से ट्रांसवर्सल जो ट्रांसवर्सटा कौन कर दुटा पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर जो करस्पोंडिंग एंगल्स आर क्रिएट हम से सब कौन इक्वल हे तो आम जानी ये कौ करस्पोंडिंग एंगल क्रिएट होता 1 5 देन आसला 2 1 6 3 7 एंड 4 8 तो ये सब एंगल कौन हे परस्पर सहित इक्वल हे मानने वन एंगल क्या सहित इक्वल हम 5 एंगल सहित इक्वल हम 2 एंगल 6 एंगल सहित इक्वल हम 3 एंगल 7 एंगल सहित इक्वल हम एंड 4 एंगलटा 8 एंगल सहित इक्वल हम जिते बड़े पैरेलल लाइन को कौन करेंगे गोटे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर 1 5 से इक्वाल 2 6 सहित 3 7 सहित 4 8 सहित जितेबाला गोटे ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते करस्पोंडिंग एंगल आर इक्वाल देन आसला सेकेंड रूल कौन थी इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वाल सहित जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्रिएट हे से भी इक्वल है परस्पर सहित तेल कौ एंगल सब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थी 3 6 एंड 4 5 थी तो ये दुटा भी कौन है इक्वल है 3 6 सहित 3 क्या सहित 3 6 सहित इक्वल है 4 5 सहित इक्वल है ये दुटा हूँ कौन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जितेबाला दुटा पैरेलल लाइन को गोटे ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर जो करस्पोंडिंग एंगल क्रिएट हे से भी परस्पर सहित इक्वल ता सहित अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी परस्पर सहित इक्वल है 3 6 सहित इक्वल है 4 5 सहित इक्वल है ये दुटा हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देन आसला थर्ड रूल इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंटरी सहित जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड थी कौ एंगल थी 3 एंड 5 एंड 4 एंड 6 3 5 थी
फोर एंड सिक्स थिला जोड़ा कि सप्लीमेंटरी हे जदि दुटा पारेलाल लाइन को गोटे ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कला ताले कौन हम जो अल्टरनेट इंटीरियर आंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जो आंगल सब थिला से दुटार सम के हम 180 माने सप्लीमेंटरी तो आमर दुटा आंगल थिला 3 एंड 5 एंड 4 एंड 6 जोड़ा होची अल्टरनेट इंटीरियर आंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल तो 3 प्लस आंगल 3 प्लस आंगल 5 रे सम होची 180 डिग्री सप्लीमेंटरी आंगल एंड 4 एंड 6 रे आंगल रो सम होची केते 180 डिग्री एटा होची थर्ड रूल ते सब होला जते बेले दुटा पैरेलल लाइन को गोटे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करिवो तो ये तीन टा कंडीशन कौन है करस्पंडिंग आंगल जो सब क्रिएट हे से सब इक्वाल परस्पर सहित सहित अल्टरनेट इंटीरियर आंगल्स भी इक्वाल सहित इंटीरियर आंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंटरी से दुटा आंगल सम के 180 देन आसला चेकिंग इफ टू और मोर लाइन्स आर पैरेलल तेल केमी जानवा दुई रु अधिक जो लाइन से पैरेलल कि पैरेलल नुहे देर आर थ्री कंडीशन टू चेक व्हेदर टू लाइन्स आर पैरेलल दे आर केतरा कंडीशन अच्छी देर आर थ्री कंडीशन तीन टा कंडीशन अच्छी आमको चेक करिया पई लाइन पैरेलल कि पैरेलल नुहे तले कौन फर्स्ट इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट ए पेयर ऑफ करस्पोंडिंग एंगल्स इज इक्वल देन टू लाइन्स आर पैरेलल टू इच अदर जितेबले आमे कौन करिबा दिटा पैरेलल लाइन को गोटे ट्रांसवर्सल द्वारा इंटरसेक्ट करिबा जदि जो सब करस्पोंडिंग आंगल क्रिएट हैला से सब जदि इक्वल हैला तले हम जानि परिबा से दुटा लाइन होची पैरेलल देन सेकंड कंडीशन होची इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर आंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल ता सहित जदि अल्टरनेट इंटीरियर आंगल भी इक्वल हैला तले हम जानि परिबा दुटा से जो दुटा लाइन होची कोन पैरेलल जदि दुटा पैरेलल लाइन नबा ताको गोटे ट्रांसवर्सल द्वारा इंटरसेक्ट करिबा जदि करस्पोंडिंग आंगल इक्वल हैला तले हम जानि परिबा से दुटा होची पैरेलल लाइन ता सहित जदि समानकर अल्टरनेट इंटीरियर आंगल भी इक्वल हैला से भी पैरेलल लाइन हबो थर्ड कंडीशन होची जदि जो कोन गोटे साइड रे अल्टरनेट इंटीरियर आंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जदि दुटा आंगल रो सम 180 डिग्री हैला ताले से दुटा लाइन होची कोन पैरेलल ताले ए तीनटा कंडीशन फॉलो करले बा सटिस्फाई करले से दुटा लाइन कोन हबो पैरेलल हेबे तापर आसला इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर लाइज व्हिच इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ताले इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कहाँ कहबा जदि दुटा लाइन कौन करथिबे इंटरसेक्ट करथिबे कोठी गोटे कॉमन पॉइंट रे जाऊक आम कौन कहू इंटरसेक्शन कहू पैरेलल लाइन्स आर व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट पैरेलल लाइन्स आर ऑल्सो नोन एज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ताले हम जानले इंटरसेक्टिंग लाइन जोटा कि परस्पर सहित इंटरसेक्ट करथिबे गोटे कॉमन पॉइंट रे ताको हम कहबा इंटरसेक्शन पॉइंट ता सहित पैरेलल लाइन जोटा कि इंटरसेक्ट करिनथिबो तांको हम कोन कहू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहू तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर पैरेलल लाइन और पैरेलल लाइन्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन तो ये हमारा आंगल आउ लाइन विषय हम सब पढ़ी तेल यही भिडियो आम सब नोट पढ़ी आर नेक्स्ट भिडियो को आम सब प्रोब्लेम सल्व करवा प्लेन लाइन एंड आंगल जो सब प्रोब्लेम अच्छे से सब सल्व करवा तो ये हमारा फंडामेंटल क्लीयर होगा नेक्स्ट भिडियो को प्रोब्लेम सल्व करवा।